अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सहर्स किचन। आज मैं हमेशा की तरह आपको फिर एक नई रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एग फ्राइड राइस, और ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बहुत यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एग फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए होंगे हाफ के जी बॉइल्ड चावल, मैंने इनको करके रख लिया है। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम ऑमलेट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 4 egg, आपकी मर्जी, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं जितने आपको अच्छा लगे, क्योंकि हाफ के जी ले रही हूँ तो उसके लिए 4 to 5 eggs काफ़ी है। मैंने 4 egg लिए हैं, इसको मैंने हैंड से बीट कर लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छी लुक देता है। थोड़ा सा पुदीना डाल लेती हूँ, ये भी इसमें अच्छा लुक देता है। और नमक जो आप जितना आपको अच्छा लगे, हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें 1/2 teaspoon डाल रही हूँ, मैं थोड़े से ऐड कर लेती हूँ। मुझे येलोइश कलर में, यानी जो एग का अपना कलर होता है उसमें मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं चावलों में, लेकिन थोड़ी सी टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक मिर्च डाल लेती हूँ। अब इसको हम अभी इसको बीट कर लेती हूँ। इसमें आप अपनी मर्जी से एग में बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे टेस्ट चेंज करने के लिए। हम ऑमलेट बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। एग्स इसमें डाल लेते हैं जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है। ये देखिए ऑमलेट बन गया, इसको एक देखें, ये एक साइड से हो जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें एक साइड से हो गया, अब इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। ये एक साइड भी तो पकी है, अब उसी साइड को भी चंद मिनट में पकने देते हैं। ये हो गया, अब इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं जी। ये हम इसको छोड़ देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, तब तक हम अपना बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पतीली में 1/4 cup ऑफ आयल डाला है। इसमें सबसे पहले हम प्याज डाल लेते हैं, नॉर्मल साइज का लेना, मीडियम जिसे हम कहते हैं। इसको आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको नर्म करना है आपने। देखिए ये प्याज ऐसे आपने नर्म करने हैं, ब्राउन नहीं करना, ठीक है, नर्म करने हैं। इसके बाद इसमें बंद गोभी डाल दें, बंद गोभी आपने लेनी है 1/2 cup। अब थोड़ी देर गोभी को पकाएं। अब जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल लेते हैं, ये भी अप टू टेस्ट है जितना आपको अच्छा लगता है। नमक डाल दिया, इसके बाद हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेते हैं। मैं 1 teaspoon ऐड कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। ऑलमोस्ट कैबेज भी हो रही है। अब हमें कनोर क्यूब्स, चिकन कनोर क्यूब, तो कनोर क्यूब्स को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आप क्यूब्स इसमें डाल दें, दूसरा तरीका ये है और पानी डाल दें, और दूसरा तरीका ये है पानी में लेके इसको अलग से मिक्स कर लें। तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि 1/2 kg है तो इसमें एक कनोर क्यूब, 2 cubes डाल लें इसमें। इसमें दूसरी भी ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी मिला देते हैं, ताकि थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि कनोर मिक्स हो जाए। कनोर ऐड करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही ये फुली मिक्स हो और पानी भी ड्राई हो जाए ऑलमोस्ट, तो आपने इसमें फ़ौरन से अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल लेने, यानी चावल डाल लेने हैं, क्योंकि आप इसको ज़्यादा पकाएंगी तो कनोर ख़त्म हो जाएगी, यानी खुश्क हो जाएगी। और इसमें हम अब अपने बॉयल्ड चावल ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं, अब इनको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड कर लेती हूँ। जो हमने एग बनाया था उसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं, अब इसको हम चावलों में डाल लेते हैं।
इसमें और इसमें हम पुदीना ऐड कर लेते हैं। पुदीने से बहुत अच्छा लुक आती है चावलों में। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक बात का ख्याल करना है कि कनौर क्यूब्स में भी नमक होता है, तो आपने ये ना हो कि उसमें भी नमक है, उसके बाद आप भर भर के चम्मच से नमक भी डाल लें तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इतना रखें कि दोनों से बराबर हो जाए। इन चावलों को हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख, ये हो गया है। अब इसको हम अपने ट्रे में शिफ्ट कर लेते हैं। मज़ेदार एग फ्राइड राइस हमारे तैयार हैं। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, और मुझे यकीन है, मैं यकीन से कहती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।